मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर साय ने लिखा है कि बीजेडी के संस्थापक सदस्यों में शामिल असम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद के रूप में जनसेवा का आपका एक विस्तृत कार्यकाल रहा है। निश्चित ही एक संरक्षक के रूप में आपके अनुभव का लाभ 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा। गरियाबंद में बाढ़ में एक ट्रैक्टर फंस गया। हालांकि ड्राइवर का ट्रैक्टर चालक जो है उसकी जान बाल बाल बची। नदी में भारी उफान था, नदी में ट्रैक्टर फंस गया था। बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। मैनपुर के राजा पड़ाव गौरघाट क्षेत्र का मामला है। मैनपुर क्षेत्र के कई नदी नाले उफान पर हैं। इलाके में अलर्ट जारी किया गया। इधर कवर्धा में झमाझम बारिश का असर दिखाई दिया। बोडला ब्लॉक के मानिकपुर गांव में बढ़ी है परेशानी। गलियों में पानी भर गया, कीचड़ में चलना भी मुश्किल हो गया। जांजगीर चांपा में भारी बारिश से कई गांवों का संपर्क टूट गया। रिंगनी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और 3 दिन से लगातार जिले में बारिश हो रही है। एक ही पुल होने के कारण दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। बलौदाबाजार जिले में बाढ़ के हालात। गिदपुरी के अमेठी घाट पर आवागमन बंद। भाटापारा ग्रामीण सिमरिया घाट पर आवागमन बंद। निपानिया स्थित ओड़े घाट पुनी घाट सिल्वा घाट पर आवागमन बंद। सुहेला के झीपन नाले में आवागमन बंद। कलेक्टर दीपक सोनी लगातार इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कोंडागांव में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। फरसगांव क्षेत्र में लगातार तेज बारिश हो रही। केशकाल धनोरा फरसगांव क्षेत्रों में बाढ़ के हालात। भवर डिंग नदी बारदा नदी बड़े खोलो और पासंगी नाले में बाढ़ के चलते कई गांव प्रभावित हुए। केशकाल के कुएंमारी क्षेत्र में ग्रामीणों ने पानी में बहती बाइक को बचाया। ओडिशा और अंतागढ़ जाने वाला रास्ता हुआ बंद। बीते एक पखवाड़े से कोंडागांव जिले में लगातार बारिश हो रही है। बारिश का कहर अब दिखने लगा है। कई गांव हैं जहां पर झोपड़ियां गिर गई हैं। फरस गांव में एक झोपड़ी गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। आप ये देख सकते हैं कि बमनी का पुल है जो नारंगी नदी से जुड़ा हुआ है, लगातार यहां पर जल स्तर बढ़ते जा रहा है। कल शाम को काफ़ी कम था लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जल स्तर यहाँ पर ये लगातार बढ़ते जा रहा है। बमनी पुल के बंद होने से करीब 40 गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो दोनों पुल के ओर खड़े हैं ताकि वो पानी कई कम हो पुल से तो लोग अपने काम पर आगे जा सके। आप ये देख सकते हैं पूरा बैरिकेड्स लगाया हुआ है। यहाँ पे कोटवार भी मौजूद है लेकिन पानी ये साल कल शाम से बढ़ना चालू हुआ है। तो आज सुबह ना साहू जी सर को बताया कि डब्ल्यू इंजीनियर है तो सब उधर से आए फिर इधर बैरिकेडिंग लगाए और अभी यार बढ़ ही रहा है। सुबह में यहाँ तक था, कम था, 3 फीट कम दिख रहा था। अभी और बढ़ रहा है, बढ़ने का ही चांस है और ज़्यादा पानी होने से भी दिक्कत है। तो ये है पानी का स्तर बढ़ने से लोगों को भारी परेशानी होगी। बहरहाल जिस तरीके से एक पखवाड़े से लगातार बारिश हुई है तो खासकर ग्रामीण इलाकों में बारिश का कहर देखने मिला है। कई जगह पर मकान गिर गए हैं। विश्रामपुरी हो या बड़े राजपुर हो जो अंदरूनी इलाके हैं उनका वहां पर कच्चे मकान गिरने की खबरें आ रही हैं। वही हाल कुछ ऐसे अंदरूनी इलाके का है जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बहरहाल बारिश का इंतजार किसान कर रहे थे लेकिन अब वही बारिश लोगों के लिए आपदा बन गई है। न्यूज 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। दंतेवाड़ा में रेलवे यार्ड में पानी भर गया। किरणतुल रेलवे यार्ड में बारिश का पानी भर गया और यार्ड में ढुलाई का काम ठप हो गया। रेलवे और एनएमडीसी को करोड़ों का नुकसान इससे हुआ है। किरणतुल में बचाव और राहत का काम जारी है। दंतेवाड़ा के किरणतुल में निचली बस्तियों में पानी घुस गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राहत और बचाव का काम भी लगातार जारी। किरणतुल में हुई भारी आपदा
इस भारी आपदा से लगभग सैकड़ों घर बर्बाद हो गए हैं। इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 1 सुभाष नगर बंगाली कैंप में मौजूद हैं, जहां पिछले दिनों जो आपदा आई उस आपदा से लोग प्रभावित हुए। हम उनसे बात करेंगे जिनका घर, मैं अपने साथी से कहूंगा पहले दिखाए वो इस मंजर को दिखाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी का कहर, जो डैम की फूटने से ऐसा बताया जा रहा है, और डैम में ओवरफ्लो होने की वजह से यह माजरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लाखों का नुकसान हुआ है। कैसा था वो मंजर और आप लोगों ने कैसा महसूस किया जब ये डैम फूटा? सर अचानक से हम लोग, मैं तो सोई हुई थी, अचानक से जब मैं बाहर निकल के देखी तो मेरी देवरानी, मैं, बच्चे अच्छे सब के सब वो घर का जो चौखट है उसको पकड़ के, अब इतना जो ये घर में बस 5 मिनट बस रह गई जिसकी वजह से मैं निकल पाई, नहीं तो मैं भी मतलब पानी के बहाव में चले जाती। और बच्चा यहाँ सो रहा था, बच्चा तो पूरा गद्दे अद्दे के साथ में ही सीधा चला गया, जो देख ही नहीं पाए हम लोग किस रास्ते से गया वो बच्चा। हम लोग तो बस वो पानी के बहाव में बोल रहे हैं, बच्चे लोग बोल रहे हैं हमारा हाथ छूट रहा है, हमारा हाथ छूट रहा है। हम लोग दिलासा दे दे के वो वहाँ पर बस एक टेबल था, टेबल आके घर का चौकट में रह गया, उसमें बाढ़ में अब क्या करती, रो रो के बैठी रह गई। तो देखिए रो रो के बुरा हाल है, कहीं ना कहीं अपने प्रॉपर्टी और अपने लोगों को खोने का एक गम डर रहता है, क्योंकि इस आपदा में जिस तरह से डैम से पानी आया तो हर किसी का दिल दहल गया। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज 18 दंतेवाड़ा। जगदलपुर में के रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। टायडा और चिमड़ी पल्ली स्टेशन के बीच भूस्खलन हुआ है। 31 जुलाई तक विशाखापट्टनम से चलने वाली नाइट एक्सप्रेस रायगढ़ से घूमकर जगदलपुर आएगी। 2 दिन से लगातार रात में पहाड़ियों से चट्टाने गिर रही हैं। मुंगेली में नाले का पुल बह गया, भ्रष्टाचार की भेंट पुल चढ़ा है और पुल की मरम्मत नहीं हुई थी। घोरपुरा और रजपुरा के बीच नाले का पुल टूटा है और इसके बावजूद जान जोखिम में डालकर लोग इससे पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। कांकेर में भारी बारिश और परेशानी की एक और तस्वीर सामने आई। अंतागढ़ में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी उफनती नदी को पार करती हुई नजर आई है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कांकेर जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। अंताकड़, कोयली, बेड़ा, पखांजोर ब्लॉक के गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूटा हुआ है। उफनती नदी नालों पर जोखिम उठाते हुए लोग नजर आए हैं। गरियाबंद में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसी ही तस्वीर सामने आई। उफनती नदी में से शव यात्रा निकाली गई। ग्रामीण अर्थी लेकर उफनती नदी को पार करते हुए नजर भी आए। ग्रामीण लंबे समय से यहां पर पुल की मांग कर रहे हैं। पुल की मांग को लेकर कई बार हाईवे भी जाम कर चुके हैं, लेकिन कभी भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती नदी में से शव यात्रा ले जाने के लिए मजबूर हुए। नदी में रात को अचानक बाढ़ आया, जिसकी वजह से गाँव पूरा टापू बन गया और हम रात को उस युवक को इलाज कराने के लिए लेके नहीं जा सके, जिसके वजह से आज एक युवक की मौत हो गई। हमने प्रशासन को पहले ही आगाह किया था कि आप ये काम को जल्द से जल्द चालू करें, मरम्मत करें, तब जैसा भी कर अभी आवाजाही करने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराएं, लेकिन शासन द्वारा किसी प्रकार से पहल नहीं की गई, जिसके वजह से आज इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। शासन प्रशासन से निवेदन है कि आगे ऐसी इस प्रकार से कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इसे पुलिया को जल्द से जल्द। बालौद से थाने में बैठी कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा 1 घंटे से थाने में बैठी हुई हैं। FIR दर्ज नहीं करने के आरोप लगा रही हैं। छेड़छाड़ के मामले में FIR की मांग वो कर रही हैं। महिला पार्षद के साथ मारपीट का ये मामला है और महिला पार्षद के दामाद पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है।